Time is barely on our side. हेलो फ्रेंड्स, मैं समर, समर एक्सपेरिमेंट यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, टाइटल देखकर तो आप समझ गए होंगे कि इस वीडियो में क्या बनाने वाले हैं। तो जैसा आप देख पा रहे हैं कि मैंने कनस्तर ले लिया है, जो ऑयल का या आपका घी का कनस्तर होता है टीन का। तो आप देखते रहिए, मैं इसमें आपको बताता रहूँगा कि आपको कितने डायमेंशन लेनी है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम इसे काट लेते हैं। मैंने इसे 8 इंच लिया है, बेस से लेकर ऊपर तक 8 इंच की हाइट है और 70 आप इक्वल डायमेंशन यूज़ करेंगे। तो जैसा आप देख पा रहे हैं, मैंने आरे लिया है, ये आयरन जो लोहे को काटने वाली आरी होती है। तो फ्रेंड्स, इससे थोड़ी परेशानी तो होती है, लेकिन क्या करें, ऑप्शन कुछ और नहीं होता। तो आप इसे, ये आसानी से मिलने वाला टूल है और आप इसे यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही स्लोली स्लोली कीजिएगा प्लीज़, मैं नहीं चाहता कि आपके कुछ इंजर्ड हो, कुछ चोट लगे आपके और ये कट जाए, क्योंकि ये बहुत शार्प होता है। तो पहले हमने उससे काटा था, फिर सेकंड चांस हम सेकंड नंबर हमने ये रखा ब्लेड खाली। तो देखिए, काट चुके हैं हम इसे, बहुत आराम से काटिएगा। अब तो इसे काटने पे देखो दो फायदे, एक तो आपका तेल मिलेगा आपसे जो बच रहा था, आप इसे फेंकते हुए ना क्या फ़ायदा, एंड सेकंड आपका ये एसी बन जाएगा। तो इसे आप यूज़ कर सकते हैं फ्रेंड्स। इसे आप खाने में यूज़ मत कीजिएगा, इसमें थोड़े जो आयरन के छोटे चिप्स हैं वो गिर गए होंगे। तो आप इसे कहीं भी टूल भी उसको लीजिएगा। यहाँ हमने लिया सैंड पेपर, जिसे हम रेक बाल भी कहते हैं हिंदी में, और हमने कोने इसके ख़त्म कर ली, क्योंकि ये बहुत शार्प होंगे और आपका कट सकता है। दोस्तों, मेरी रिक्वेस्ट आपसे, प्लीज़ आप इसे आराम आराम से कीजिए। मैं तो मेंटेनेंस डिपार्टमेंट में जॉब करता हूँ, तो मुझे पता है कैसे काम होता है, लेकिन फ्रेंड्स प्लीज़ आप थोड़ा देख कर काम कीजिएगा, क्योंकि लग जाएगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी। और ये हमने 2 इंच नीचे से बेस से छोड़ दिया है, जो इसका बेस है वहाँ से हमने 2 इंच ऊपर लिया है हाइट में। तो आप देखते रहे फ्रेंड्स वीडियो में, मैंने वीडियो बहुत फास्ट फॉरवर्ड की है, बहुत तेज़ चल रही है। आपको लग रहा होगा कि वीडियो तेज़ चल रही है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आपका टाइम वेस्ट हो और आपका टाइम बचे। आप वीडियो फुल देखो तो आपको फुल नॉलेज मिले, और प्लीज़ वीडियो बने रहिए, मैं आपको आगे नॉलेज देता रहूँगा ऐसे ही। तो मैंने देखिए, ये ऊपर से 2 इंच छोड़ा है, 2 इंच नीचे छोड़ा है, तो बीच में बचा 4 इंच। तो यानी कि 4 इंच का मैंने इसमें विंडो कट करी है, आप देखते रहिए। और वीडियो को मैंने कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ नहीं डाली है, क्योंकि मैं नहीं चाहता दोस्तों कि आपका टाइम ख़राब हो वीडियो में कुछ भी एक्स्ट्रा मैं डालूं। और प्लीज़ हमारे साथ बने रहिए और आपको नॉलेज मिलती रहेगी। फ्रेंड्स, अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल समर एक्सपेरिमेंट को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, जिससे ऐसी वीडियो आपको मिलती रहे। मैं इस पर वीडियो लाता रहता हूँ, 2 दिन में या 3 दिन में या डेली में इस पर वीडियो डालता रहता हूँ ये फ्रेंड्स। तो प्लीज़ आप बने रहिए हमारे साथ, मैं आगे आपको बताता रहूँगा। तो दोस्तों, जैसा आप देख पा रहे हैं, ये मैंने लिया है ग्राइंडेड डिस्क। दोस्तों, मैंने उसका ग्रिल, जो मेरे पास ड्रिल मशीन थी उसका मैंने बनाया है। मैं इस पर एक वीडियो बना दूंगा कि आपको कैसे बनाना है, क्योंकि मोस्ट ड्रिल तो मिल जाती है लेकिन ग्राइंडिंग मशीन नहीं मिल पाती। तो ड्रिल मशीन का ही मैंने ग्राइंडिंग बनाया है, तो मैं आपको इस पर एक सेपरेट वीडियो बना कर दूंगा कि किस तरीके से इस पर क्या क्या सावधानी बरतते हो, आप इसे ड्रिल मशीन को ग्राइंडिंग मशीन बना सकते हैं। तो जैसा आप देख पा रहे हैं, मैंने इससे काटा है, बहुत अच्छा, बहुत बेहतरीन वर्क करता है ये घर पर, क्योंकि मेरे पास तो ड्रिल मशीन है, ग्राइंडिंग मशीन नहीं है, तो मैं ड्रिल मशीन से ही ग्राइंडिंग मशीन काम कर लेता हूँ इसे लगाने के बाद। और मुझे फ्रेंड बहुत बेनिफिट हुआ। तो ये भी दोस्तों थोड़ा आप आराम से काट दीजिएगा, इसमें 2 जने की मदद लेगा प्लीज़, एक जना जो आपका ये कनस्तर जो कटा हुआ है पकड़ लेगा, दूसरा आप इसे काट सकते हैं। तो कोई जल्दबाजी नहीं कीजिएगा, बहुत ही सावधानी का काम है और ज़्यादा डरने की जरूरत नहीं है, जितना मैं आपको बता रहा हूँ। आप आराम से कीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छा आपको ये कट करेगा। देखिए, बिल्कुल सफाई लाया है, अच्छी तरीके से ये वर्क कर रहा है, देखो कितना अच्छा कटा है। और बताऊँ फ्रेंड्स, हमारे साथ बने रहिए और मैं आपको बताता रहूँगा नॉलेज आगे। ये सैंड पेपर है, तो इसमें हमने कोने इसके जो किनारे हैं वो ख़त्म कर दिए हैं, जिससे कि ये लगे ना हाथ में, क्योंकि बहुत शार्प हो जाता है ना कटने के बाद ये। तो थोड़ा सा अगर बाल बरार भी इस पर रह गया ना, तो वो आपका कट कर देगा और आप इंजर्ड हो जाएंगे। तो देखिए, हमने आराम से इस पर एक बाल मार लिया है, अब देखिए तो ये हमारा पीस बन चुका है टोटल, जो हमें कटिंग करनी थी, उसके बाद ये आपको ऐसा लग दिखेगा। फ्रेंड्स, आप अपने हिसाब से इसकी हाइट या विड्थ या चौड़ाई लंबाई से कहते हैं रख सकते हैं। इसमें मैंने एक स्विच लगा दिया, एक इंडिकेटर लगा दिया है, ये मैंने इसका एक ऊपर का एक ढक्कन लिया है। आप ढक्कन बाहर से बनवा सकते हैं या फ्रेंड्स आप खुद बना सकते हैं। दूसरा कनस्तर काट कर, मैंने दूसरा कनस्तर काटा था, उसका एक जो उसमें से पीस काट कर उसको मैंने ढक्कन बनाया था, जिसे कैप कहते हैं इंग्लिश में। मैंने इसका बीच का पॉइंट निकाल लिया है, जैसे मैंने निकाला ऐसे निकाल लीजिएगा। ड्रिल मशीन से मैंने इसमें थोड़ा सा हल्का सा एक सुराख कर दिया, जिससे कि मेरे जो इस पर निशान लगा सो। तो देखिए, अब मैं इसे पेंसिल से, तो मैंने इसमें मार्क लगा ली है, जिससे कि मैं इसमें होल कर सकूँ। फ्रेंड्स, वीडियो को आप फुल वॉच कीजिए, आपको फुल नॉलेज मिलेगी, प्लीज़ स्किप मत कीजिएगा। एंड आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, बहुत अच्छा वर्क करता है, मैंने बनाया तो मुझे तो बहुत बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छा लगा। और आप इसमें अपने हिसाब से जितने आपको होल करने हो, अपने आप होल कर सकते हैं इसमें। फ्रेंड्स, आप कहेंगे
मैं अपनी वीडियो बिना बोले भी बना सकता था, लेकिन मैंने पहले वीडियो बनाई थी तो आपकी कमेंट आई थी कि यार आप तो बोलते नहीं है वीडियो में। और फ्रेंड्स यकीन मानो मैं ऐसा बोलता हूँ जैसे आप मेरे सामने बैठे हो, बिल्कुल मैं कोई इसमें झूठ नहीं बोलता। इस चैनल पर कोई वीडियो फेक नहीं डलती, नहीं कोई डलेगी। और बता दूँ जो मैं बना लेता हूँ उसे आजमाता हूँ तभी मैं आपको प्रोवाइड करता हूँ मटेरियल। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आपको ऐसी वीडियो मिलते रहेंगे आने वाले समय में। तो देखिए मैंने इसमें काफ़ी होल कर लिए हैं, आप चाहे तो इससे ज़्यादा होल कर सकते हैं, थोड़े बड़े होल कर सकते हैं। बड़े होल करेंगे तो आपको ज़्यादा जो एयर है प्रोवाइड होगी मोटर को। वो मैंने 12 वोल्ट का डीसी मोटर ले लिया है, ये बहुत अच्छा वर्क करता है, मैं इसे ही यूज़ करता हूँ। और ये मात्र 80 रुपये का आपको मिल जाएगा ईजिली मार्केट में। ये छोटे पेच हमने मोटर को कसने के लिए यूज़ किए हैं जिसकी मोटर इसमें फिक्स हो जाए और हिलेना। फ्रेंड्स एक बात का जो ध्यान रखिएगा, अगर आप नए हैं तो प्लीज़ वर्क को थोड़ा स्लोली स्लोली आराम से कीजिएगा, कोई जल्दी नहीं। वीडियो बेसिक 10 मिनट की हो लेकिन आप इस काम को चाहे 2 या 3 दिन लगा दीजिए, लेकिन प्लीज़ मेरी आपसे रिक्वेस्ट है काम आराम से कीजिए, कोई जल्दीबाजी नहीं होगी। क्योंकि मैं तो इन काम करता रहता हूँ, मुझे आदत है। आप शायद नए हो या एक्सपीरियंस अच्छी बात है, नए हो तो प्लीज़ किसी की देखरेख में कीजिएगा काम। और मैंने इसमें मोटर में कनेक्शन कर दिए हैं दोस्तों, अगर आपको कनेक्शन नहीं पता तो मुझे कमेंट बताइएगा, मैं उसके अलग से अपडेट वीडियो बना दूंगा। लेकिन फिलहाल तो बहुत ईजिली है, बस खाली आपको एक स्विच से कनेक्ट करना है। जैसा आप देख पा रहे होंगे मैंने एक ही स्विच में यूज़ किया है, वो मैंने इसमें केबल टाई यूज़ की है। दोस्तों अगर आपके पास केबल टाई नहीं हो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप वायर यूज़ कर सकते हैं या पीवीसी टेप यूज़ कर सकते हैं या कुछ भी आप ऐसा धागा टाइप यूज़ कर सकते हैं जिससे कि वायर रुका रहे, जिससे कि बुरा ना लगे। लेकिन आप ऐसे तो ना भी लगाएं तो कोई दिक्कत नहीं। दोस्तों इस पर अगर आप पेंट कर लेंगे ना पूरे पे तो इसकी लाइफ जो लॉन्ग हो जाएगी, काफ़ी लंबा समय तक चलेगा ये। और जैसा आप देख पा रहे हैं कि मैंने इस पर कोई पेंट नहीं किया है क्योंकि ये मुझे नया लग रहा था, लेकिन मैं ढक्कन में पेंट कर रखा था। और आप इसमें जो वायर यूज़ करेंगे कोई हैवी वायर की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा हल्का वायर भी आप यूज़ कर सकते हैं। और आप वायर को इतना काटिए इतना कि बस ज़रूरत हो, एक्स्ट्रा वायर बिल्कुल मत काट लीजिएगा, थोड़ा छोटा भी नहीं दिक्कत हो जाएगी आपको। एक्स्ट्रा वायर काटेंगे तो फ्रेंड्स वो पंखड़े में लग सकता है। और देखिए मैंने इसमें पंखड़े लगा दी है और रन करके देख लेते हैं कहीं हिलस तो नहीं रही कहीं पर। और ये मैंने आगे जाली यूज़ की है सिल्वर की, आप कोई सी जाली यूज़ कर सकते हैं, मच्छरदानी जो होती है उसे भी आप यूज़ कर सकते हैं जो विंडो में लगती है, या इससे बड़ी भी 8 इंची या आप 1/2 इंची यूज़ कर सकते हैं, 1 इंच यूज़ कर सकते हैं, वो आपके सुविधा अनुसार आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने इसे थोड़ा सा बैंड कर लिया है 90 डिग्री। फ्रेंड्स प्लीज आप मुझे कमेंट बॉक्स बताइए इसमें क्या कमी रही है। वैसे तो अपने तरफ से मैं कोई कमी नहीं छोड़ता, लेकिन बाय चांस उस कमी रह जाती है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट बताइए और यही बताइए कि मैं नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर बनाऊँ। वैसे तो फ्रेंड मुझ पर बहुत सारे आइडिया है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि वो आइडिया आपकी तरफ से आए क्योंकि वो आपको बेनिफिट हो, आपके लिए बने, क्योंकि वीडियो मैं आपके लिए बनाता हूँ ना कि अपने लिए। तो आपके लिए वीडियो होगी और आप उससे देखेंगे तो आप सोचेंगे कि हाँ मेरा इस चैनल से बेनिफिट है। और फ्रेंड अगर आपको ये चैनल बेनिफिट लगेगा तो आप प्लीज़ इस चीज़ को सब्सक्राइब करेंगे, मैं आपसे बार बार सब्सक्राइब को नहीं कहूँगा। और प्लीज़ मुझे सजेस्ट कीजिए कि मैं नेक्स्ट टॉपिक कौन सा चूज़ करूँ। एंड आपको बता दो अगर इस वीडियो में कुछ कमी रही हो तो प्लीज़ आप मुझे बताइए, या वीडियो आपको लंबी हो तो ही मुझे बताइए। तो दोस्तों मैंने जैसा आप देख पा रहे हैं मैंने ये विंडो के हिसाब से काट ली है, आप इसे इस तरीके से ही काटें जैसे इस मैंने इसे काटी है। और नेक्स्ट हम इस पर पेंट करेंगे, आप कोई सा पेंट चूज़ कर सकते हैं, ब्लैक येलो ब्लू जैसा आपको फेवरेट लगे। मुझे तो बेस्ट कलर सिल्वर पर ब्लैक ही लगता है तो मैंने इस माने ब्लैक यूज़ किया। और पेंट पर आप थोड़ा स्लोली कीजिए, कोई जल्दबाजी बिल्कुल नहीं कीजिए। और अगर वीडियो में कुछ कमी लगी तो प्लीज़ फ्रेंड्स मुझे ज़रूर बताइए जिससे कि मैं नेक्स्ट वीडियो में वो कमी पूरी कर सकूँ। और मैं आपको बता दूं दोस्तों मैं ज़्यादा वीडियो को बिना बोले भी कर सकता था, लेकिन मैंने ये बोला कि आपको जिससे कि प्रॉब्लम ना हो, मेरा पिछले बार चैनल था, इससे पहले मेरे का चैनल था तो उस चैनल में कोई टेक्निकल फॉल्ट आ गया जिससे कि वीडियो नहीं डाल सकता उस चैनल पर मैं। तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एंड जैसे आप देख पा रहे हैं मैंने थोड़ा सा बैंड कर लिया है जिससे कि ये निकले नहीं यहाँ से। और आप भी कोई इसमें पेच लगाने की जरूरत नहीं है, आप कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट इसमें मत खर्च कीजिए, आप इसमें आराम से ऐसी बैंड लगा दीजिए कहीं नहीं जाएगा, बहुत ही लाइट वेट होता है ये। और आप जैसे देख पा रहे हैं बॉडी भी बहुत ज़्यादा लाइट वेट है, कहीं नहीं जाएगी। मैं इसमें कनेक्शन कर रहा हूँ LED में और मैंने 1K का रेजिस्टेंस यहाँ यूज़ किया है। जैसा आप देख पा रहे हैं ये रेजिस्टेंस है जो LED में कनेक्ट है स्विच पे जो लग रहा है ग्रीन कलर का, आप इसे 1K का यूज़ कीजिए क्योंकि मैंने इसे 12 वोल्ट को दिए हैं, 12 वोल्ट से 3 वोल्ट या 2.5 वोल्ट यूज़ ये आप इसको LED का आपको देगा क्योंकि इसका वर्क है पावर को लो करना। एंड मैंने इसमें मोटर के कनेक्शन में कर दी है, इसमें कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं मोटर कनेक्शन करने में। लेकिन फ्रेंड्स अगर आपको इसमें कोई प्रॉब्लम आई हो तो प्लीज़ मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में, मैं उसका एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा आपके लिए।
बहुत ही अच्छा लगता है कूलर देखने में, जैसा आप देख पा रहे हैं बहुत ही अच्छा, मतलब बिल्कुल डिजाइनदार और हवा भी अच्छी देता है और कूलिंग भी अच्छी करता है। अब जैसे देख, मैंने इसमें आइस यूज़ की है, आप देख पा रहे हैं मैंने तो बर्फ़ के थोड़े छोटे टुकड़े कर लिए हैं किसी भारी चीज़ से मारकर, हैमर हथौड़ा यूज़ करके, तो जिससे कि ये अंदर इसमें हवा फेंकेगा मोटर और जो हवा इसकी बाहर निकल जाएगी ना वो इसकी बिल्कुल चिल्ड कूल हवा आएगी। एक बता दूँ फ्रेंड्स, आप सोचेंगे कि बर्फ़ तो पिघल जाएगा, लेकिन अगर दोस्तों बर्फ़ पिघल जाएगा ना तब भी हवा देगा, क्योंकि बर्फ़ का जो पानी, ये पानी जो बनेगा ना वो भी काफ़ी देर तक ठंडा होगा। देखिए अच्छी हवा दे रहा है काफ़ी, और आप इसे यूज़ करिए, बनाइए और मुझे बताइए कैसा रहा। तो दोस्तों आपने मुझे इतना वक्त दिया, आपने वीडियो को वॉच किया और मुझे मेरी बकवास को सुना, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, प्लीज़ मुझे सजेस्ट कीजिएगा मैं नेक्स्ट वीडियो कौन सी बनाऊँ, और अगर आपको कुछ भी हेल्प चाहिए तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं आपकी ज़रूर हेल्प करूँगा। और कभी भी आप 24 आवर आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं कमेंट का आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय, अपना ध्यान रखिएगा। Close till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust.